और अंत में हम विशाल से ये पूछेंगे कि विशाल, जब तुम खेलते हो, विशाल हमारे राइट हैंडेड यानी ऑर्थोडॉक्स प्लेयर हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है? आपका क्या ख्याल है कि ऑफेंस एंड डिफेंस, मतलब अगर एक बॉक्सर को आगे आना है, कई लोग कहते हैं नहीं उसको ऑफेंसिव ज़्यादा होना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं अगर मारता भी है तो उसको मार खाना भी आना चाहिए, और यानी कि डिफेंस उसका स्ट्रांग होना चाहिए। आप बताइए कि आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है ज़्यादा ऑफेंसिव होती है या आप डिफेंस पे भी विश्वास रखते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ज़्यादा अटैक वाला गेम है, डिफेंस उतना नहीं करता हूँ। अच्छा जल पड़ने मतलब बोझ पड़ने पर ही डिफेंस होता है भाई, अटैक अटैक होता है तीनों। अच्छा और ये बताइए कि जैसे आपका अगर ओपोनेंट एक एक साउथ पॉ हो, लेफ्टी, लेफ्ट हैंडेड, तो आपके लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी जब आपका ओपोनेंट एक ऑर्थोडॉक्स हो और एक साउथ पॉ हो, कुछ अलग हो जाता है? मतलब आप क्या करते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा मत बताइए क्योंकि नहीं तो आपके ओपोनेंट्स भी ये वीडियो सुन रहे होंगे, तो मैं चाहूँगा नहीं कि अपनी स्ट्रेटेजी बताइए, बट जनरली अपने व्यूवर्स को कि अगर कोई ऑर्थोडॉक्स प्लेयर किसी साउथ पॉ के साथ खेलता है तो उस समय उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? डिस्टर्ब करना है, उसके बाद उसके पेट में राइट, फिर ऊपर फेस पे राइट, फिर उसका साउथ पॉ का राइट वॉच करना है, उसको राइट आते ही स्वीवर लेके फिर कंट्रोल करना है, ये अच्छा लगता है सब। जरा एक फुटवर्क से बताइए तो, जैसे आप क्या कह रहे हैं, जैसे क्या कह, जैसे फॉर इंस्टेंस थोड़ा एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताइए क्या कह, जैसे 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 आप साउथ पॉ खड़े हो, आपने राइट मारा, मैंने स्लिप दिया यहाँ पे, ऐसे ये कंट्रोल। चलो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अभी सीनियर्स बनने के बाद जब आप नेशनल्स वगैरह खेलेंगे, इंटरनेशनल कंपटीशन करेंगे, तो आपका बहुत बढ़िया गेम रहेगा, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशाल। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम विशाल से और भी बढ़िया बढ़िया इंटरव्यूज़ करेंगे, ये एक शुरुआत है, मुझे पूरी उम्मीद है। ये इंटरव्यू मैं आपको दो भागों में दिखा रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।